रहमान साहब मौजूद हैं। आज जो उन्होंने रेडियो पाकिस्तान कम्युनिटी बॉक्स का भी जो है वो वहाँ पे काफ़ी वक्त गुजारा। इस हवाले से जानते हैं कि जो रेडियो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स चैनल 94 ने जो एक कम्युनिटी का आगाज़ किया बड़े अरसे के बाद, और ये रेडियो पाकिस्तान की इंतजामिया और डायरेक्टर जनरल की खसूसी कावशों का नतीजा है। तो उनसे जानते हैं कि ये जो कम्युनिटी एक अरसे के बाद जो है वो शुरू की गई है, इसको किस नज़र से देखते हैं, और आज जो सदरमियान और सिंध के दरमियान जो मैच हो रहा है, इस हवाले से किस टीम को जो है वो फेवरेट करार देते हैं कि कौन सी टीम आज का फाइनल और जो अगले 5 रोज़ जारी रहेगा किस टीम को जो है वो फेवरेट करार देते हैं? जी जी देखेंगे, क्योंकि दोनों टीमें एक जैसी हैं, फाइनल में जब जो भी टीम पहुंचती है तो दोनों टीमें एक जैसी होती हैं। जो इसमें अच्छा पहली इनिंग्स पे डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा टोटल बनाती है बैटिंग में, अगर अच्छा टारगेट रहती है 400 और 500 के दरमियान तो आई थिंक के फिर उनका अपर हैंड हो जाता है। और आई थिंक नॉर्दर्न की बैटिंग लाइन ज़रा अच्छी है तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं। जी, जो रेडियो पाकिस्तान ने कमेंट्री का आगाज़ किया बड़े अरसे के बाद, सामीन के साथ जो है वो बाल टू बाल कमेंट्री जो है सामीन तक एफएम 94 के ज़रिए से पहुंचा रहा है, इस स्टेप को, इस एकदम को जो है वो आप किस नज़र से देखते हैं, कितना इसको सराहते हैं कि ये हमारे जो सामीन हैं उन तक ये कमेंट्री पहुँचाने का और हमारी इंतज़ामिया का उसका कितना किरदार अहम है कि वो उन्होंने ये फैसला किया? जी बिल्कुल, रेडियो पाकिस्तान का की कंट्रीब्यूशन जो है हमेशा से क्रिकेट में है, क्योंकि आप देखें कि पहले जब पाकिस्तान की क्रिकेट होती थी, लाइव टीवी नहीं होता था, तो रेडियो पाकिस्तान से ही कमेंट्री नशर होती थी।